नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन कोटड़िया स्वागत करता हूँ मेरी YouTube चैनल सॉक लैब पे। इस चैनल पे मैं हर बार कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के रिलेटेड वीडियो लेके आता हूँ। जो आप मेरी चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ज्यादातर बात न करते, इस वीडियो में हमको क्या मिलने वाला है इसकी बात दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारा कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, हमारा जो विंडोज OS हो, उसमें कैसे उसका परफॉर्मेंस बढ़ाया जाए, उसका कैसे परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज किया जाए और बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे मिले, उसका एक सेटिंग करना होता है हमारे सिस्टम में और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो कैसे किया जाता है उसकी बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो परफॉर्मेंस बेस्ट करने के लिए सबसे पहले माय कंप्यूटर में राइट क्लिक करना है, उसकी प्रॉपर्टी में जाना है। प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, लास्ट में आपको जाना है एडवांस सिस्टम सेटिंग, ये वाला ऑप्शन मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ। यस, ए सेटिंग, इस पे क्लिक करना है। उसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है एडवांस टैब वाला, इसमें यहाँ पे क्लिक होगा परफॉर्मेंस वाला। उसकी उसमें लिखा हुआ है विजुअल इफेक्ट, प्रोसेसर शेड्यूलिंग, मेमोरी यूजेस, विजुअल मेमोरी, उसको क्या करना है। तो उसका सेटिंग में जाना है, बाय डिफॉल्ट ये रहता है आपके यहाँ पे, लेकिन इसमें आपको करना है एडजस्ट फॉर बेस्ट अपीयरेंस और बेस्ट परफॉर्मेंस। रेडी, बेस्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से जो आपको कस्टम करना है तो आप कस्टम भी कर सकते हैं, बेस्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से जो भी करना है वो भी सेट कर सकते हैं और बेस्ट अपीयरेंस के हिसाब से जो भी करना है वो आप कर सकते हो। आप यहाँ पे लिखा हुआ है और सब कुछ आप देख सकते हैं कि एनिमेशन यहाँ पे रखना है नहीं रखना है। एनिमेशन बहुत टाइम लेता है, बहुत मेमोरी कंज्यूमिंग करता है, तो आपको नहीं चाहिए। तो आपको परफॉर्मेंस वाला है सेट करके ओके पर प्रेस करना है। ओके पर प्रेस करने के बाद वेट करना है और ओके प्रेस कर देना है। बाद में आपका कंप्यूटर रिस्टार्ट हो जाएगा। रिस्टार्ट होने के बाद आपका परफॉर्मेंस में बहुत बढ़ोतरी मिलेगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, बहुत जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए टेक्नोलॉजी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।